अच्छा, जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया था कि आपने क्या करना है, LinkedIn.com के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनानी है और GitHub.com के ऊपर भी अकाउंट एक क्रिएट करना है। अच्छा, तो GitHub.com ज़रा मैं खोल लेता हूँ और इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और हम क्यों इसके ऊपर अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, GitHub.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए ख़ास बनाया गया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे Facebook.com पे जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं बेसिकली, राइट। आप वहाँ पे किसी ने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसका कोड देखने आप Facebook.com पर नहीं जाते हैं, सही है। तो और वहाँ पे अगर कोई कोड शेयर करता है अपना तो ज़ाहिर है उसको देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। हाँ, अगर बनी हुई कोई वेबसाइट है उसकी मैं वीडियो बना के डाल दूँ तो वो बात अलग है ना, लेकिन वहाँ पे कोई कोड को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा Facebook.com पे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, और यहाँ पे वो अपना कोड शेयर करते हैं। अच्छा, मैं अपनी प्रोफाइल ज़रा आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा यूआई इन्होंने चेंज किया है, पहले यहाँ पे ये इतना छोटा सा डब्बा खुलता था, अब ये पूरा खुलता है। प्रोफाइल आपके सामने खोल दिए यहाँ पे। इसके अंदर आप देखें ना, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ होता है कि मैंने कब कब क्या किया काम करके यहाँ पे पोस्ट किया ना, उसका एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये आप देखेंगे तो 2015 में मैंने इस पर साइनअप किया था, 2015 से लेके और 2016 से लेके ये सारा बता रहा है कि मैंने कब कब क्या किया काम किया ना, जो पब्लिक है और जो प्राइवेट है। प्राइवेट का काम वो शो नहीं होता, लेकिन ये शो होता है कि कुछ काम हुआ है इस टाइम पर ना, ठीक है। तो 2020 में आप देखेंगे ये काम हो रहा है सारा, ठीक है, ये काम हो रहा है सारा। तो ये आपका अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं आप रिपॉजिटरी को खोलूँ तो ये ChatGPT का मैंने एक डेमो बनाया, तो यहाँ पे ये पब्लिक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको देख के लोगों को पता चलता है, अच्छा जी, ये बंदा चैटबॉट के ऊपर काम कर रहा है या ChatGPT पे काम कर रहा है, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट का ये सेलेबस है, ठीक है। इसी तरह ये बिक्रिप्ट करके एक लाइब्रेरी लिखी थी मैंने बहुत पहले, तो ये वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। वेक्टर डेटाबेस का हेलो वर्ल्ड है, जो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम कवर करें इस कोर्स में अपना वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। टेलविंड का यहाँ पे हेलो वर्ल्ड बना हुआ है, तो ये सारा जो भी काम हुआ है ना वो सब यहाँ पे दिख रहा है। अब ये डोर डैश का एक काम है, ये क्लाइंट का काम है, तो इस वजह से प्राइवेट है, ठीक है ना। ये किसी और को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ मुझे ही दिखेगा, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारी प्राइवेट रिपॉजिटरी, ये रेस्टोरेंट का एक चैट बॉट है, ये भी प्राइवेट है, ये आपको नहीं दिखेगा, जो पब्लिक है सिर्फ वो दिखेगा आपको। तो ये जो गेट और गिटहब है ना, ये क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है कि वो अपना कोड यहाँ पे शेयर करते हैं। अच्छा, कोड शेयर करने के अलावा भी इस पर काम होते हैं, यानी सिर्फ ये इसका एक वाहिद यूज़ केस नहीं है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ केस हैं। मिसाल के तौर पे अगर दो लोग एक साथ एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गिट और गिट हब के ज़रिए कोलेब्रेशन की जाए। तो क्या होता है कि पहले जब दो लोग काम करते थे एक ही सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो क्या कर रहे होते थे कि जी एक बंदे ने कोड लिखा, उसको यूएसबी में दूसरे बंदे के कंप्यूटर में लेकर आया, अब वो यूएसबी गिर गई, गुम हो गई, फिर ये अलग मसला है। फिर उस दोनों कोड को मर्ज कैसे किया जाए, उस दोनों कोड को मर्ज करना एक बड़ा मुश्किल काम होता था, तो वो सारे काम इन्होंने भी आसान कर दिए ना। तो अब जो बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं वो सारी गिट का इस्तेमाल करती हैं अपने कोड को मैनेज करने के लिए। अगर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर 10 लोगों की टीम काम करी तो 10 अलग अलग लोगों ने जो कोड लिखा है वो एक साथ मर्ज करना, उसको मैनेज करना कि किसने क्या काम किया और किस वक्त किया है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को अब इसके ज़रिए मैनेज किया जाता है। अच्छा, अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का और गिट हब का जो ताल्लुक़ है वो ऐसा बन चुका है इस वक्त ताल्लुक़ कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जब कहते हैं ना अपने आप को कि मैं सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ, या मैं फ्रीलांसर हूँ, या मैं वेब डेवलपर हूँ, या मैं वेबसाइट बनाता हूँ, या मैं चैट बॉट बनाता हूँ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बात होती है कि जी उसको गिट और गिट हब दोनों आना चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बात है। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे है कि एक दर्जी हो तो दर्जी को सिलाई मशीन चलानी आती है ना, बाई डिफ़ॉल्ट है। अब अगर कोई दर्जी है वो कहता है मैं दर्जी हूँ दर्जी हूँ, अब जब सिलाई मशीन की बात आती है वो कहता है यार सिलाई मशीन तो मुझे नहीं आती,
तो ये उसके दर्जी होने पे सवालिया निशान हो जाता है कि जी आपको सिलाई मशीन चलानी नहीं आती, आप इतनी देर से कह रहे थे कि मैं दर्जी हूँ, है ना। या कोई अगर बंदा हो जो कहे कि जी वो मैं ड्राइवर हूँ, और फिर जब थोड़ी देर में बात आए गियर की तो कह यार गियर का मुझे नहीं पता, बस गाड़ी लेकिन मैं चला लेता हूँ, तो ये उसके ड्राइवर होने पे सवालिया निशान है कि उसको गियर्स का नहीं पता, है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई बंदा कहता है मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और जब गिट की बात आए वो कह यार मुझे गिट नहीं आता, तो ये उसके सवालिया निशान हो जाएगा कि जी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे हो आपको जब गिट नहीं आता। तो आज सबसे पहली क्लास हमारी जो चैट बॉट की होने जा रही है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम गिट और गिट हब को इस्तेमाल करना सीखेंगे, सही है। अच्छा क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक हमने बनानी है रिपोजिटरी, क्रिएट, ये न्यू का बटन है, इस न्यू के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास एक फॉर्म खुल जाएगा, ये मेरे पास एक फॉर्म खुल गया एक नई रिपॉजिटरी बनाने का। इस फॉर्म के अंदर मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिपॉजिटरी का नाम लिखना है यहाँ पे। अच्छा मैंने कह दिया है कि जी चैट बॉट और सेक्शन ए है ना आपका, नहीं आपका सेक्शन ए है असल में, जो सुबह 9 बजे वाली क्लास है वो वेब डेवलपमेंट की है, तो आपका जो चैट बॉट का सेक्शन है वो ए है, और एक शाम को होता है वो सी है सेक्शन, और दरमियान में एक ख़वातीन का होता है वो सेक्शन, तो ए बी और सी तीन तीन सेक्शन हमारे पास ये चैट बॉट के इस वक्त मौजूद है, तो आपका सेक्शन ए है। तो मैंने कह दिया कि जी पेशावर चैट बॉट सेक्शन ए, ये मैंने कह दिया। हाँ जी सही है जी। और एक मैंने इस नाम से रिपॉजिटरी बना दी, डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं ऑप्शनल है, बाकी नीचे की सब तमाम चीज़ें जो हैं प्राइवेट ये सब आपने डिफ़ॉल्ट पे छोड़नी है, ठीक है। पब्लिक पे ये पहले से हुआ हुआ होता है, तो आपने इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ के ये पब्लिक रिपॉजिटरी बनानी है, और ये सारी चीज़ें अभी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इस फॉर्म में जस्ट मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पर, और वो नाम लिख कर मैंने क्या किया है, रिपॉजिटरी को क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये रिपॉजिटरी मेरी क्रिएट हो गई, ये रिपॉजिटरी के लिए। अच्छा ये अभी आप सब लोग ये खुद करेंगे यहीं पे बैठ के, ये काम अभी आपने खुद यहाँ पे करना है बैठ के। अच्छा अब ये क्रिएट होने के बाद ना मुझे इस तरह की स्क्रीन दिखा रहा है जिसमें ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने इस रिपॉजिटरी को करना क्या है, ठीक है। अच्छा ये इंस्ट्रक्शन ज़रा सी मुश्किल है, मैं आपको और आसान करके बताता हूँ, मैं आपको क्या बताता हूँ और आसान करके इसको बताता हूँ। ये जो यहाँ पे एक एड्रेस आ रहा है ना, एड्रेस ये वाला, सही है, इस पे देखो ये HTTPS लिखा हुआ है, ये इस पे पहले से क्लिक हुआ हुआ है, इस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे HTTP पे पहले से, अगर मैं दूसरे पे करूँगा ना तो ये मुख्तलिफ एड्रेस देगा, तो ये मैं HTTPS पे क्लिक करके ये जो कि पहले से हुआ हुआ होगा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस को मैंने क्या कर लेना है, इसको मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस एड्रेस को पूरे को मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अच्छा अब ये जो रिपॉजिटरी है ये खाली रिपॉजिटरी है। अच्छा रिपॉजिटरी की जो मिसाल है ना वो इस तरह की एक फ़ोल्डर की मिसाल है, आप समझ लो ये मैंने असल में क्या बनाया है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है, लेकिन इसको एक टेक्निकल, हम टेक्निकल लोग हैं यहाँ पे सारे बैठे हुए, तो हम इसका टेक्निकल नाम जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रिपॉजिटरी, हम इसको फ़ोल्डर नहीं बोलेंगे। तो ये मैंने रिपॉजिटरी वाला एक फ़ोल्डर यहाँ पर बना के, और इसका मुझे ये URL इसने प्रोवाइड कर दिया। अब इस फोल्डर को मैंने क्या करना है, इस रिपॉजिटरी को मैंने क्या करना है, उठा के अपने कंप्यूटर के अंदर लेकर आना है, ठीक है। अच्छा मैं अपने कंप्यूटर में कैसे लाऊंगा, मैं जाऊंगा जी अपने कंप्यूटर में और यहाँ पे मैं खोलूँगा टर्मिनल, सही है, या अगर विंडोज़ के ऊपर आप हैं तो विंडोज़ के अंदर इसको कहते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट नाम है, और लिनक्स में और मैक में इसको टर्मिनल कहते हैं, एक ही चीज़ है, ये नाम का फ़र्क है बस, एक ही चीज़ है। लेकिन अच्छा कैसे आप टर्मिनल खोलेंगे, यहाँ पे टर्मिनल लिख के मैंने एंटर कर दिया। अच्छा विंडोज़ में अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे और CMD लिखेंगे, एंटर करेंगे तो खुल जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे जब मैं टर्मिनल खोलता हूँ तो ये कहाँ पे खुलता है टर्मिनल, ये किसी एक, ये रूट पे खुलता है एक्चुअली ना, ये एक्चुअली रूट पे खुल रहा होता है। अगर आप विंडोज़ में खोलेंगे तो सी ड्राइव पे खुलता है, यहाँ पे सी ड्राइव लिखा हुआ होता है, तो हमने इधर नहीं खोलना, इसको बंद कर देते हैं। हमने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है पहले इधर ना, जैसे किसी भी जगह पे मैं चला जाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे डेस्कटॉप के ऊपर जाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं टर्मिनल खोलूँगा और मैं CD करके मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा। अच्छा ये मैंने कैसे किया, दोबारा बता रहा हूँ, CD लिखा, स्पेस दिया और D दबाया, और D के बाद मैंने पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, टैब दबा दूंगा मैं,
अच्छा कह रहा है डी से और भी नाम है, तो मैंने कहा कि डी ई और फिर टैब दबा दिया मैंने, ठीक है। तो ये टैब दबाने से ऑटो कम्प्लीट होता है, ये सब में विंडोज़ लिनक्स और मैक ये तीनों में ये काम कर रहा होता है। तो सी डी डेस्कटॉप करके मैंने एंटर किया, तो ये कहाँ पे चला गया मेरे, ये मेरे डेस्कटॉप के फोल्डर के ऊपर आ गया, ठीक है, ये मेरे डेस्कटॉप के फोल्डर के ऊपर आ गया। अच्छा डेस्कटॉप के फोल्डर के ऊपर जाके मैं अब जो कमांड लिखने लगा हूँ वो कमांड आपके पास नहीं चलेगी, एरर देगा, वो भी मैं बताता हूँ क्यों देगा। अच्छा मैं लिखूँगा कमांड गेट क्लोन, ठीक है, गेट लिखा उसके बाद स्पेस दिया क्लोन, उसके बाद स्पेस दिया और यहाँ पे वो वाली चीज़ मैंने क्या कर दी, पेस्ट कर दी वो पूरा यूआरएल, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे अब मैं एंटर प्रेस करूँगा, लेकिन ये कमांड मेरे पास तो एरर नहीं देगा, लेकिन जब आप ये चलाएंगे तो आपके पास एरर आएगा। अच्छा पहले मैं एंटर कर देता हूँ क्लोनिंग इनटू, और ये क्लोन हो गया, ठीक है। कह रहा है यू अपेयर टू हैव अ क्लोन एम्प्टी रिपोजिटरी, कह रहा है आपने जो रिपोजिटरी क्लोन की है ना अपने कंप्यूटर में लेकर आए, ये रिपोजिटरी असल में खाली है, तो ये बता रहा है मुझे, ठीक है, मुझे पता थी ये बात कि खाली है वो। अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास एक फोल्डर यहाँ पे देखो बनकर आ गया, ये देखो उसी नाम से यहाँ पे फोल्डर बन के आ गया। अच्छा लेकिन आप जब ये चलाएंगे ना कमांड, तो आपके पास ये कमांड क्या देगी, एरर। अच्छा एरर इसलिए देगी कि मैंने जो ये गिट लिखा है ना, ये जो गिट लिखा है मैंने, ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। जब आप ये गिट लिखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको ये एरर इसलिए देगा, मैं गिट लिखता हूँ माइनस माइनस वर्जन, तो इससे क्योंकि ये इंस्टॉल है तो मुझे वर्जन बता देगा, इसने मुझे देखो वर्जन बता दिया गिट का वर्जन इस वक्त क्या इंस्टॉल है मेरे पास, ठीक है। लेकिन आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास ये बोलेगा कि गिट इज़ नॉट रिकग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ये इस तरह का आपके पास एक एरर आ जाएगा। अच्छा तो अब इसको थोड़ी देर इसको रोक के इसको इंस्टॉलेशन इसकी सीख लेते हैं कि कैसे होती है। मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर, पहले मैंने गिट हब लिखा था, अब की बार मैं गिट लिखूँगा, जस्ट गिट, मैंने गिट लिखा और एंटर किया, राइट। मैंने क्या लिखा है गूगल पे जाके, जस्ट गिट लिखा है मैंने, और गिट लिखते ही मेरे पास ये पहली जो वेबसाइट आई है ना gitscm.com, इस वेबसाइट के अंदर मैंने चले जाना है, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर मैं चला गया। इस वेबसाइट पे जाते ही क्या आ गया मेरे पास, ये डाउनलोड का बटन आ गया। अच्छा मेरे पास डाउनलोड फॉर मैक आ रहा है क्योंकि मैं मैक मशीन पर हूँ, आपके पास ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा होगा। इस बटन पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड होगी एक फाइल, उसको डबल क्लिक करके चलाओगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे इंस्टॉल हो जाएगा, कोई सेटिंग उसकी चेंज नहीं करनी। जैसे वो डबल क्लिक करोगे ना, जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसी पे उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना। इंस्टॉलेशन के दरमियान वो बहुत सारे सवाल पूछेगा, लेकिन उनमें से किसी को आपने चेंज नहीं करना, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पे उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपकी इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा ये इंस्टॉलेशन सीख ली हमने, जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, अपने पास अगर आप लिखेंगे ना गिट और माइनस माइनस वर्जन, तो ये आपको वर्जन बता देगा कि कौन सा वर्जन आपके पास इंस्टॉल है, ठीक है। अभी वर्जन कौन सा चल रहा है इसका, अच्छा 2.42 चल रहा है इसका वर्जन, और मेरे पास कौन सा इंस्टॉल है, मेरे पास इंस्टॉल है 2.41, ज़रा एक वर्जन पुराना इंस्टॉल हुआ है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा मसला नहीं है। अच्छा तो ये हो गया जी, आपने इसको इंस्टॉल करना सीख लिया, इंस्टॉल करते ही आपके पास ये गिट यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। अब आप चलाएंगे ना ये कमांड गिट क्लोन वाली, तो ये मैंने पहले चलाई थी ये गिट क्लोन वाली कमांड, तो अब ये आपके पास जो है वो उसी तरह चल जाएगी जैसे ये मेरे पास चली है, ठीक है। अच्छा अब ये तो क्लोन हो गया, क्लोन करने के बाद अब इसको मैं करूँ क्या, क्लोन करने के बाद इस फोल्डर के अंदर जाके, असल में मैं अभी क्या सीखना चाह रहा हूँ, मैं ये सीखना चाह रहा हूँ कि गिट हब के अंदर एक रिपोजिटरी बनती कैसे, और उस रिपोजिटरी में मैंने अपना कोड अगर शेयर करना है तो वो मैं करता कैसे। फेसबुक में तो ये होता है ना जी, हाथ से लिखा आपने और पोस्ट किया और वो पोस्ट हो गया, इसमें ज़रा तरीका मुख्तलिफ है। अच्छा शुरू में ये शायद मुश्किल लग रहा होगा यार एक पोस्ट करने के लिए इतना लंबा काम, लेकिन असल में ये उस हिसाब से बनाया गया है जो डेवलपर्स के लिए आसान हो, है ना। जब आप आहिस्ता आहिस्ता भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे तो ये तरीका आपको ज़्यादा आसान लगेगा, है ना, क्योंकि कोडिंग एक दो लाइन की तो होती नहीं है। फेसबुक पे तो मीम होता है ना कि दो लाइन की बात लिखी और पोस्ट कर दिया तो वो हो गया, लेकिन असल में तो ये जब आप करेंगे कोडिंग तो एक दो लाइन की तो होती नहीं है, 400-500 लाइन की कोडिंग होती है, तो उसको जो है वो ये तरीका उसमें ज़्यादा आसान है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज़ होगा कि ये तरीका ज़्यादा आसान, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको रियलाइज़ हो जाएगा थोड़े दिनों में। अच्छा तो ये मैंने अभी तक क्या कर लिया है, जो github.com पे रिपोजिटरी बनाई थी उसको मैं क्लोन करके अपने कंप्यूटर में लेकर आ गया हूँ, है ना। अब अगला काम मैंने क्या करना है कि इस रिपोजिटरी में, अच्छा ये भी कोई आम फोल्डर नहीं है, ये रिपोजिटरी वाला फोल्डर है, उसका उसकी पहचान क्या है, इस फोल्डर को जब मैं खोलूँगा ना, ठीक है, तो ये वो फोल्डर है। अब बज़ाहिर तो ये खाली है, इस जगह पर कुछ अगर इसमें होता तो वो नज़र आता,
ठीक है ना, बज़ाहिर तो ये जैसे मेरे इस वाले फोल्डर के अंदर देखो यहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन इधर खाली है ये फोल्डर बज़ाहिर। लेकिन जब मैं हिडन फाइल्स को शो करूँगा ना, ठीक है, जो इसमें कुछ हिडन फाइल्स भी होती हैं फोल्डर में, तो उसको अगर मैं शो करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक ऐसे एक गेट का फोल्डर नज़र आएगा। अच्छा, इस फोल्डर को आपने छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ, इसको आपने ओपन भी नहीं करना है, ना ही इसमें कोई चेंजेस करनी है, ना ही इसको डिलीट करना है, ये इसी तरह रहने देना है आपने, ठीक है। इसको गिट खुद मैनेज करता है, ये इसीलिए इसको हिडन रखा गया ताकि ये आप इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। अच्छा, तो ये वाला जो फोल्डर है ना, गिट का जो फोल्डर, ये जब ये जिस जगह पर मौजूद होता है ना, तो ये कोई आम फोल्डर नहीं होता, ये फोल्डर जो होता है वो क्या होता है, गिट की रिपॉजिटरी होती है, है ना। इसको अब आम फोल्डर नहीं कहेंगे आप, ये गिट की रिपॉजिटरी है। अब एक गिट की रिपॉजिटरी होने की वजह से इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ आ जाती हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, अभी उस पर इतना ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमें सिंपली करना क्या है, सिंपली करना ये है कि यहाँ पे आके कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ मैं, है ना, कोई भी टेक्स्ट फाइल, कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, किसी भी किस्म की फ़ाइल मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, और वो फ़ाइल जब बन जाए यहाँ पर, तो मैं इस पूरी रिपॉजिटरी को उठा के वापस GitHub में भेजना चाहता हूँ, ये अभी हमने करना है काम। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको, इस फोल्डर को मैं एक टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट एडिटर जो हम इस क्लास में टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, उसका नाम है VS Code, ठीक है। कैसे होगा VS Code, आएंगे हम गूगल पे और VS Code लिखूँगा मैं, एंटर कर दूँगा, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, VS Code की ये वेबसाइट है, ये code.visualstudio.com। अच्छा, एक तो सिंपल विजुअल स्टूडियो है, दैट्स अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर ना, उसका कलर जो है वो डिफरेंट है, वो एक मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। ये जो है ना VS Code, ये तो बहुत ही लाइट वेट है, 200 MB का सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो इसको, इसकी वेबसाइट के अंदर मैं जाता हूँ, और इसकी वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड फॉर मैक, ठीक है। आपके पास डाउनलोड फॉर विंडोज़ का भी ऑप्शन यहीं सामने आ रहा होगा, ठीक है। ये इसको समझ आ जाता है कि किस मशीन पर बंदा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये लिख के बता रहा होता है। तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ आप करेंगे, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसको भी आपने जब इंस्टॉल करना है, तो इसके अंदर जो सेटिंग आ रही होगी इंस्टॉल करते हुए, आपने उसी के साथ इसको इंस्टॉल करना है, उस सेटिंग को आपने चेंज नहीं करना है, सही है। उस जो आ रही होगी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, उसी पर आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये हो गया जी इसकी इंस्टॉल। तो दो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करना सीखा, गिट और VS Code। अच्छा, अभी शुरू में शायद ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये एक ही दफ़ा इंस्टॉल करना है, दोबारा नहीं करना। यानी ये गिट भी एक दफ़ा इंस्टॉल कर लोगे तो वो जब तक वो विंडोज़ रहेगी, जब तक वो गिट आपकी विंडोज़ के अंदर मौजूद रहेगा। इसी तरह VS Code का जो सॉफ्टवेयर है, ये भी आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपकी मशीन में रहेगा इंस्टॉल, ये कहीं नहीं जाएगा फिर। अच्छा, मेरे पास ये क्योंकि पहले से इंस्टॉल है, मैं ये, ठीक है, ये मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है। अच्छा, ये पहले से खुला हुआ भी है, जिसको मैं बंद कर देता हूँ। पहले से मेरे पास जो है ना ये खुला हुआ भी है, इसको मैंने, पहले वाले को मैंने बंद कर दिया, सही है। अच्छा, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस फोल्डर में रहते हुए, मैंने क्या करना है, कोड स्पेस डॉट लिखना है, तो वो उसके साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इस वक्त डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ ना, तो डेस्कटॉप पे मैंने CD किया और PESH पेशावर, क्योंकि मेरे नाम का वो है, और टैब दबाया, तो ये उसने ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने लिखा CD पेशावर चैटबॉट वाला फोल्ड रिपॉजिटरी का नाम और एंटर किया, ठीक है। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जब आप जाते हो ना टर्मिनल के थ्रू, तो आप CD की कमांड से जाते हो, तो CD करके मैं उस फोल्डर के अंदर चला गया, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, सही है। गौर से इसको देखें, मैं ये फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड स्पेस डॉट, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। कोड स्पेस डॉट जैसे ही मैंने लिखा, तो मेरे पास ये VS Code के अंदर ना ये वाला फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। VS Code के अंदर ये वाला फोल्डर ओपन हो गया। अच्छा, ये वेलकम दिख रहा है, वेलकम को हटा देता हूँ मैं। मुझे पता कैसे चलेगा, यहाँ पर उस फोल्डर का नाम आ रहा होगा, सही है, यहाँ पर उस फोल्डर का नाम आ रहा होगा। अच्छा, टेक्स्ट फाइल तो वैसे भी मैं राइट क्लिक करके क्रिएट कर सकता था, लेकिन क्योंकि हमने ये टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है ना इन फ्यूचर, तो क्यों ना पहले दिन से ही हम इसकी आदत डालें, तो इसलिए मैंने इसको टेक्स्ट एडिटर पे खोल लिया। अब इस टेक्स्ट एडिटर के ऊपर हम क्या मौजूद है, बटन हमारे पास मौजूद है, एक न्यू फाइल क्रिएट करने का बटन है, ठीक है, फोल्डर भी, लेकिन हमें न्यू फाइल के, तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं।
नाम पूछा इसने, मैंने कहा कि यार माई फर्स्ट, ठीक है, माई फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, टी एक्स टी क्योंकि मैं टेक्स्ट फाइल बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा अब जो है ना इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई दिस इज माई फर्स्ट फाइल इन इन रिपोजिटरी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसमें। अच्छा ये लिखने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। अच्छा जब देखो मैं लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कैसे गोल सा ये बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेव नहीं हुआ हुआ। अच्छा जैसे ही मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस दबाऊँगा ना, तो ये सेव होगा तो गायब हो जाएगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जब ये फाइल बना लें और इसमें जो लिखना चाहते हैं आप वो लिख लें, तो इसको कंट्रोल एस दबा के आप सेव ज़रूर कर लें। अदरवाइज़ वो क्या होगा, वो जब आप भेजेंगे तो क्योंकि वो फाइल सेव नहीं है तो वो उस तरह खाली चली जाएगी। ठीक है, तो ये फाइल आपने सेव कर ली। अब इस पॉइंट पे हमने क्या काम कर लिया है, हमने github.com पे एक नई रिपॉजिटरी बना ली है, उसको क्लोन करके मैं अपने कंप्यूटर के अंदर लेकर आ चुका हूँ, और उस रिपॉजिटरी के अंदर जो मेरे कंप्यूटर में अब आ चुकी है उसमें मैंने एक नई फाइल बना के उसमें कुछ बातें लिख दी हैं। अब जो आखिरी काम है वो इस फाइल को मैंने वापस भेजना है github.com पर। इस फाइल को मैंने क्या करना है, वापस भेजना है github.com पर। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस उसी टर्मिनल पर आ जाऊँगा। ठीक है, इस टर्मिनल में मैं कहाँ मौजूद हूँ, इसका ज़रा मैं टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ ना टर्मिनल का, और क्लियर की कमांड चला के इसको ज़रा मैं खाली कर देता हूँ। अच्छा अब इस टर्मिनल के अंदर मैं कहाँ मौजूद हूँ, ये इसी फोल्डर में, यानी कि मैं अपनी रिपॉजिटरी वाले फोल्डर में मौजूद हूँ। ये जो कमांड मैं चला रहा हूँ, अगर ये कमांड आपने चलाई और आप इस फोल्डर में मौजूद नहीं हुए तो ये कमांड काम नहीं करेगी, कोई ना कोई एरर दे देगी, वो बोलेगी दिस इज़ नॉट अ गिट रिपॉजिटरी, इस तरह की कोई बात कर देगी। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने कह देना है कि जी गिट ऐड और डॉट, ठीक है। अब देखें क्या है ये कमांड, गिट उसके बाद स्पेस है, फिर उसके बाद ऐड है, फिर स्पेस है, और फिर उसके बाद एक डॉट है, और डॉट करके मैंने एंटर कर दिया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये कमांड सही चल गई है। अच्छा तीन कमांड है टोटल जिसके ज़रिए मैं उसको भेज रहा हूँ, उसके बाद गिट कमिट माइनस एम और आपका कोई मैसेज, डबल कोटेशन के अंदर कोई गया, मैंने कहा माई फर्स्ट कमिट, सही है, ये मैंने बात लिख दी। क्या लिखा मैंने, गिट स्पेस कमिट, कमिट की स्पेलिंग आपने यही लिखनी है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो काम नहीं करेगा। कमिट इसके बाद स्पेस माइनस एम स्पेस और डबल कोटेशन के अंदर मेरा एक मैसेज, डबल कोटेशन के अंदर एक मैसेज। अच्छा ये क्या चीज़ है, असल में होता ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना, तो जैसे ही एक फीचर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं उसको गिटहब में भेजता हूँ, तो मैं ये उसमें लिखता हूँ कि अच्छा मैंने क्या काम किया है। अभी जो है मैंने मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट बना रहा था मैं, या एक चैट बॉट बना रहा था, तो उसमें मैंने अबाउट का पेज बना लिया, आज बैठा मैं एक दिन में अबाउट का पेज बने, तो मैं जब शाम को उसको कमिट करूँगा तो मैं लिखूँगा कि जी मैंने अबाउट का पेज बना लिया। तो एक फंक्शनैलिटी, एक फ़ीचर जब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं उसको भेजता हूँ ना गिटहब में, तो मैं लिख के भेजता हूँ कि यार ये मैंने काम किया, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि कल को मैं मिसाल के तौर पर मैं 2 महीने से कोडिंग कर रहा हूँ, रोज़ मैं पुश करता हूँ गिटहब में, इस तरह रोज़ मैं गिटहब में डालता हूँ बना बना के, और प्राइवेट है वो अगर या पब्लिक है वो मैटर नहीं करता, तो मैं हिस्ट्री में पीछे भी आ सकता हूँ, जैसे कंट्रोल जेड करते हैं ना तो एक पीछे आ जाता है वो, तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो हम सीख नहीं रहे, वो हम बाद में सीखेंगे, है ना। जो यानी जिस तरह मैं कमिट करता जा रहा हूँ, एक एक उसको नाम देता जा रहा हूँ हर कमिट को, तो उसी तरह मैं हिस्ट्री में पीछे भी आ सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास, मैंने 2 महीने से कोडिंग कर रहा हूँ और मैंने कोई काम करते करते गलती से कोई चीज़ डिलीट कर दी अगर, है ना, और कमिट कर दिया उसको, तो मैं इसमें पीछे आ सकता हूँ, वो फाइल मुझे वापस रिकवर हो सकती है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है, वो अभी हम सीख रहे नहीं हैं लेकिन वो होगा इसी से। तो कमिट बाई कमिट मैं पीछे आ सकता हूँ, मैं कहूँगा इससे पीछे वाली कमिट में क्या था वो दिखाओ, फिर इससे वाली में क्या था वो दिखाओ, फिर इससे पीछे क्या था वो दिखाओ, इस तरह करके मैं पूरी हिस्ट्री में पीछे जा सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, गिट कमिट। तो ये टोटल तीन कमांड है जिसके जरिए मैं वापस भेजूंगा, तो नंबर एक हो गया गिट ऐड डॉट, नंबर दो हो गया गिट कमिट माइनस एम और आपका मैसेज और एंटर। यहाँ पे इसने बोला कि जी आपने ना एक फाइल बनाई है, उसमें एक लाइन का कोड लिखा है और उस फाइल का नाम ये था और हमने ऐड कर दिए, ठीक है, क्रिएट हो गई है वो फाइल, ये इसने बता दी भाई। दो कमांड हो गई, अब तीसरी कमांड है गिट पुश। तीसरी कमांड क्या है, गिट पुश। इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये पूरा का पूरा उठा के क्या कर देगा, github.com पे वापस भेज देगा। मुझे कह रहा है कि यार इस प्रोफाइल के अंदर ना इसको मैंने भेज दिया और मेन के नाम से एक ब्रांच थी उस पर भेजा है, और 263 बाइट
का टोटल था वो डेटा जो अभी भेजा गया है इस कंप्यूटर से उठा के। अच्छा तो ये तीन कमांड यहाँ पे क्या हो गई मेरी, कंप्लीट हो गई। अच्छा अब मैं जाके अगर अपने यहाँ पे देखूँगा ना इस गिट की रिपोजिटरी में, है इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो फाइल यहाँ नज़र आ जानी चाहिए। ठीक है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है जी, तो एक फ़ाइल जो मैंने बनाई थी वो यहाँ पे नज़र आ गई है। ठीक है और जो मैंने कमिट में मैसेज लिखा था वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ गया है। ठीक है और ये भी बता रहा है कि जी एक मिनट हुआ है अभी आपको ये किए हुए, और टोटल जो कमिट है वो वन है। देखो इसमें हिस्ट्री में पीछे ऐसे बता रहा है तो वन कमिट है टोटल। अच्छा ये हो गया सही है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक नई वेबसाइट बना रहा था मैं, उसमें मैंने सबसे पहले अबाउट का पेज बनाया, वो मैंने कमिट कर दिया, पुश कर दिया और कंप्यूटर बंद करके सो गया मैं। अब अगले दिन मैं आऊँगा तो क्या करूँगा, कुछ मज़ीद कोड लिखूँगा। तो मज़ीद कोड लिखने के लिए मुझे इसको दोबारा क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले से हुआ हुआ क्लोन, तो मैं इसी में आऊँगा और मज़ीद कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा। सही है मज़ीद कुछ कोडिंग लिखी मैंने, सेव किया, एक मैंने मज़ीद फाइल बनाई, मैंने कहा abc.txt, इसमें भी मैंने कुछ बात लिखी, सेव किया और अब क्या करूँगा वही तीन कमांड आगे चलाऊंगा, गिट एट डॉट गिट कमिट माइनस एम। अब की बार मैं मैसेज चेंज करूँगा, मैंने कहा भाई माई सेकंड कमिट। ठीक है ये अब की बार मैंने थोड़ी सी कमांड में चेंजेस किए हैं, सेकंड कमिट और उसके बाद गिट पुश। तो ये तीन कमांड मैं हर दफ़ा चलाऊँगा, जब जब मैं कुछ मज़ीद कोड लिखूँगा ये तीनों कमांड मैं दोबारा चलाऊँगा। ये पूरा का पूरा पुश हो गया, मैं वापस जाता हूँ अपनी रिपोजिटरी में, रिफ्रेश करता हूँ, मुझे दो फाइल नज़र आएगी अब की बार। ठीक है दो फाइल नज़र आएगी मुझे, मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल तो है नो सर कैसे, अभी करोगे तो पता लगेगा। ठीक है मुश्किल तो है और ज़ाहिर है पहली दफ़ा कर रहे हो इसलिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब अपने हाथ से आप कर लोगे तो फिर आपको आसान लगेगा। अच्छा ये जो काम आज हमने किया है ना पहली क्लास में, ये अब हमने अपनी जितनी भी सबसीक्वेंट क्लासेस हैं तमाम क्लासेस में ये काम हम कर रहे होंगे। ठीक है क्योंकि आप जो भी असाइनमेंट बनाएंगे वो मैं आपसे USB में लूँगा ही नहीं, मैं बोलूँगा इधर दो GitHub में, है ना, तो ऐसे चेक होगा असाइनमेंट। तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो आपके पास 100 रिपोजिटरी बनी हुई होगी, उसमें 100 छोटे छोटे असाइनमेंट होंगे, तो और वो पब्लिक होंगे, कोई भी उसको देख सकता है, है ना, अच्छा हो जाएगा ये। और लगे हाथों आपका गिट पे हाथ भी सेट हो जाएगा। अभी तो ये तीन कमांड ज़रा मुश्किल लग रही होगी शायद, अभी आप लिखेंगे तो शायद भूल भी जाए कमांड। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ ये कमांड यहाँ पे तीनों लिख, अच्छा अब मैंने कुछ फाइलें डिलीट करनी है, अगर ये ABC की फाइल मैंने डिलीट कर दी, डिलीट हो गया। ठीक है फाइल डिलीट भी करूँगा तो मुझे पुश करना है। अच्छा यहाँ पे मैंने जो है ना तीनों कमांड लिख देता हूँ, सही है CODMANDS कमांड। अच्छा मैंने कहा कि पहला जो कमांड है सबसे वो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है गिट क्लोन और रिपोजिटरी का URL। ठीक है ये मैं यहाँ पे कमांड लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूल जाएं तो वहाँ से देख लें आप जाके। ठीक है दूसरी कमांड आपने लिखनी है दूसरे नंबर पे, तो आप ना मेक सम चेंजेस इन अच्छा रिपोजिटरी को ना शॉर्ट में रेपो भी कहते हैं, तो मैं रेपो लिख रहा हूँ। ठीक है मेक सम चेंजेस इन रेपो इन योर कंप्यूटर, सही है। नंबर थ्री अब इसको वापस पुश करने के लिए कमांड क्या थी, गिट एड डॉट, सही है। नंबर फोर गिट कमिट माइनस एम और आपका कोई मैसेज, सही है। नंबर फाइव, ठीक है तो ये टोटल हमने ये जो आज पढ़ाई की है ना वो टोटल ये पढ़ाई मैंने यहाँ पे लिख दी सारी की सारी, ठीक हो गया। अच्छा ये अब ये सारी मैंने चेंजेस किए हैं इसके अंदर, अब मैं क्या करूँगा इसको मैंने पुश करना है गिट में, मैं दोबारा जाऊँगा, मैं लिखूँगा गिट एड डॉट गिट कमिट माइनस एम और कमांड्स फॉर गिट, ये सारी कमांड मैंने लिख दी एंटर, और मैंने कहा कि गिट पुश, गलत स्पेलिंग चेंज की मैंने। गेट पुश क्यों नहीं चल रहा, इंटरनेट शायद कुछ इशू कर रहा है। सही है जी तो ये पूरा का पूरा पुश हो गया। अब वापस जाऊंगा मैंने एक फाइल डिलीट भी कर दी है इसमें से, तो वो वहाँ डिलीट भी हो जानी चाहिए और
जो मैंने कोड लिखा है वो भी आ जाना चाहिए। रिफ्रेश किया जरा मैंने जाके, इंटरनेट वाकई में स्लो हो गया। अच्छा ये जो रिपोजिटरी मैंने बनाई है ना, ये रिपोजिटरी पब्लिक है, राइट? ये रिपोजिटरी जो है वो पब्लिक है। अगर इसको आप में से कोई भी देखना चाहे तो आप क्या करेगा, आप जाके लिखेंगे INZ इंजमाम मलिक, गूगल पे लिख रहा हूँ मैं ये, और गिट हब साथ में लिखेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है? तो ये मेरे पास देखें, ये मेरी प्रोफाइल आ गई पहले नंबर पर, सही है? इस प्रोफाइल के अंदर आप जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक रिपोजिटरी है तो ये सब लोगों को नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप जाएंगे रिपोजिटरीज में, मेरी जो भी जितनी भी मैंने आज तक बनाई है सब, तो ये वाली सबसे टॉप पे आ रही होगी क्योंकि ये अभी अभी मैंने इसमें काम किया, तो ये वाली सबसे टॉप के ऊपर आ रही होगी, ठीक है? हमारे पास इंटरनेट का थोड़ा सा शायद इशू हो गया, ठीक है? ये खुल गई रिपोजिटरी, और मैं रिपोजिटरीज के सेक्शन में जब जाऊँगा तो ये फोल्डर आ रहा है, ठीक है? जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर वो सारा का सारा अभी जो मैंने लिखा है ना कोड, वो आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जब मैं जाऊँगा तो वो फाइल मौजूद है जिसमें सारा का सारा ये फाइल मौजूद है, और इस फाइल के अंदर जो है ना ये मेरे पास कोड लिखा हुआ आ रहा है सारा, ठीक है? ये सारी कमांड्स मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, अब हो जाएगा ये? सर एक सवाल जी, हम ये फाइल बनाते हैं, इसमें इसका मेन मकसद क्या होगा? असल में तो ये टेक्स्ट फाइल मैंने अभी समझाने के लिए बनाई है, असल में तो हम यहाँ पे कोडिंग जो करेंगे ना, जो वो फाइलें हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, हाँ, टेक्स्ट फाइल नहीं बनाएंगे हम इसमें। एट द एंड ऑफ द डे हम टेक्स्ट फाइल नहीं बनाएंगे, हम कोडिंग की जो फाइल है ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल, HTML की फाइल, CSS की फाइल, वो सारी फाइल, पूरा हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो पूरा प्रोजेक्ट होगा, वो पूरा पूरा प्रोजेक्ट हम इसमें पुश कर रहे होंगे ना, ठीक है? अच्छा, पुश करने का मकसद क्या है? ताकि मैं शेयर कर सकूँ, एक तो आवाम से शेयर कर सकूँ मैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग आते हैं उनसे शेयर कर सकूँ, और दूसरा अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ एक दो लोग और भी हैं, तो वो कोलैबोरेशन के लिए भी उनसे मैं शेयर कर सकूँ, ठीक है? कि मैं मिसाल के तौर पे, अभी आप इस रिपोजिटरी में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको नजर आएगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ आपको एक्सेस दे दूंगा तो आप चेंजेस भी कर पाओगे। तो एक ही रिपोजिटरी होगी, अब दो लोग उसमें एक साथ चेंजेस कर रहे होंगे, और इसमें ये हो सकता है, अभी हमने सीखा नहीं है वो कैसे होता, लेकिन वो हो सकता है इसमें, और पूरी दुनिया में लोग इसको इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं, कोलैबोरेशन इसमें बहुत अच्छी होती है, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल जस्ट हमने किया इसका हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड आप कर लें, अब फिर थ्रू आउट द कोर्स की हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आप जब थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही इसकी आदत हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह ये सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? फिर आप ये इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे अभी नहीं सिखाएंगी, वो खुद ही आप सीखते चले जाओगे थोड़ा थोड़ा करके, ना? ठीक है, तो सर इसका ये बैक एंड हुआ ना, अगर हम कोडिंग करते हैं इसमें आकर इसको जो है पुश करते हैं, ये इसका बैक, तो इसका जो फ्रंट एंड है तो वो इसी में आएगा या नेक्स्ट उसका? नहीं, अभी तो आप ये कह रहे हैं कि वो वेबसाइट मुझे दिखेगी कहाँ, इसमें सिर्फ कोड दिखेगा फिलहाल, अभी जो हमने सीखा है ना इसमें सिर्फ कोड मैंने उठा के कंप्यूटर से इसके अंदर डाल दिया। आप ये समझ लें कि फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी और पोस्ट कर दिया उसको, ये हमने इतना काम सीखा है अभी तक ना। और इधर आते हैं लोग कोड देखने ही आते हैं, सिर्फ कोड देखने, कोड देखने के लिए आते हैं, हाँ सही है। तो और कोलैबोरेशन, अच्छा अब कोलैबोरेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे मैंने इसमें कोड डाला है कुछ, अब मैंने आप में से किसी एक बंदे को एक्सेस दे दिया इसका, मैंने कहा यार आप भी इसमें, जैसे मैं एक वेबसाइट बना रहा था, मैंने अबाउट का पेज बनाया, मैंने कहा जी गैलरी का पेज आप बनाओ, आप बना के पुश करो, तो वो भी ये काम कर सकता है। तो वो उसको भी जो असल में देखेगा ना, वो कोड ही देखेगा, वो कोड को क्लोन करेगा, ये पूरा का पूरा उसके कंप्यूटर में चला जाएगा, वो चेंजेस करेगा, वापस पुश करेगा, आ जाएगा। जब मैं उसको खींचूंगा अपने पास, तो मेरे पास वो वाला भी आ रहा होगा जो उसने काम किया है ना। तो ये असल में कोलैबोरेशन में कोडिंग का ही ताल्लुक है, फ्रंट एंड का ताल्लुक उससे कुछ भी नहीं है, ठीक है? वेल, अभी हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें सारा मेक सेंस नहीं लग रही, लेकिन जैसे जैसे हम अब जब असल कोड हम पुश करेंगे ना इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी नहीं होगी वो ना। अभी जितना मैंने बताया एज इट इज़ इसको अपने हाथ से कर लो। अच्छा, एज इट इज़ अपने हाथ से करने के बाद आप क्या करोगे कि ये जो आपकी रिपोजिटरी है, जब आप इस रिपोजिटरी पे क्लिक करते हो, ठीक है ना, तो इस रिपोजिटरी का जो URL है ना, ये आपने कहाँ भेजना है? WhatsApp का जो ग्रुप हमारा बना हुआ ना, उसके अंदर भेजना है, ये बना के WhatsApp के ग्रुप के अंदर ये URL आपने भेजना है। अच्छा, जब मेरे पास 77 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर ना, 59 है। अच्छा, तो 59 जब मेरे पास URL आ जाएंगे, तो मैं ये समझूंगा कि तमाम लोगों ने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है, और ये आपने अभी करना है, यहीं पे बैठ के करना है, ठीक है? चलें शुरू हो जाएं सब लोग। सर,
फोर्क क्या चीज़ है? देखो फोर्क जो होता है ना वो एक अलग चीज़ होती है, वो क्या होता है मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन फोर्क जो मैंने बताया वो फोर्क नहीं है, जो मैंने जो अभी बताया आपको करना ये फोर्क नहीं है, सही है? तो जो मैंने बताया ना इसको एज इट इज़ अपने हाथ से कर लो और एक ऐसी रिपोजिटरी बना लो जिसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल मौजूद हो और उसका URL मुझे भेजो व्हाट्सएप के ग्रुप में सब लोग, सही है? अभी आपके पास है पूरा एक घंटा है आपके पास,